हेलो बच्चों, मैं करण आप सभी का KMC यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। बच्चों आज हम आपके साथ NCERT एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिये बच्चों, सबसे पहले आपको लिखा गया है L and M are 2 पैरेलल लाइंस। L और M जो है वो पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये वाली लाइन L और ये वाली लाइन M जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम यहां लिख देंगे गिवन, हमें गिवन नंबर 1 मिल चुका है प्यारे बच्चों। तो गिवन नंबर 1 लिख देंगे, लाइन L जो है ये पैरेलल है लाइन M के। फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो लिखा गया है इंटरसेक्टेड बाय, यानी कि इन L और M लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? वो भी पेयर बना के इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वो दो लाइनें कैसी हैं? वो लाइंस भी पैरेलल लाइंस हैं। अरे क्या बात है, दो लाइनें भी पैरेलल लाइन है, और वो दो पैरेलल लाइनें कौन कौन सी हैं? एक P है और एक Q है। तो एक ये लाइन P है और एक ये लाइन Q है, ये भी आपस में पैरेलल है। तो हमें सेकेंड गिवन मिला, लाइन P जो है ये पैरेलल है लाइन Q के। इसके बाद आपको दिया गया है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, आप प्रूफ करके दिखाओ। तो आप यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ, आप यहां पे लिख देंगे टू प्रूफ। और टू प्रूफ में आपके पास आएगा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। तो यहां आप लिखेंगे बच्चों प्रूफ, और प्रूफ का मतलब अब आप जान चुके हैं कि हम इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंड दूसरा ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है सीडीए। अगर हम अपने फिगर में देखें बच्चों, तो आपका फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी ये वाला है, अभी मैं जहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। आपको इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है सीडीए ट्रायंगल से। सीडीए ट्रायंगल ये रहा जहां पे मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं। तो आपको रेड वाले ट्रायंगल को ब्लू वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। और आपने इस बात का ध्यान रखा होगा बच्चों, जब मैं दो ट्रायंगल्स की लाइंस को ड्रॉ कर रहा था, तो इसमें जो ये ऑरेंज कलर वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर रेड मार्कर भी आया था और ब्लू मार्कर भी आया था, यानी कि ये वाली लाइन दोनों की कॉमन लाइन है। और कॉमन लाइन होने की वजह से हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है प्यारे बच्चों। और वो फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड किया है बच्चों, और सभी बच्चे कह रहे हैं सर आपने फर्स्ट पॉइंट फाइंड किया है। जो एसी साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो साइड एसी इक्वल टू साइड एसी हम यहां लिख देंगे कॉमन। इसके बाद बच्चों जब इसका सेकंड पॉइंट लिखने जाएंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी जाती हैं, तो इन दो पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं? सभी बच्चे कहेंगे यस सर, ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल ऐसे जेड टाइप के होते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स पे बनाए जाते हैं। तो एक एंगल आपका इस तरह बनेगा और एक एंगल आपका इस तरफ बनेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर एक एंगल आप इस तरफ बना रहे हो, तो दूसरा एंगल आप इस तरफ बनाओगे, कॉर्नर के एंगल लेते हैं जो जेड की फॉर्म बनाते हैं। तो अगर आप अपने इस वाले फिगर में देखोगे बच्चों, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे तो जेड बन रहा है इस एसी वाली साइड से, इस एसी वाली साइड से अगर आप राइट में आओगे तो इस तरफ आ जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो इस तरफ चले जाओगे, तो ये बन गया जेड। यानी कि एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला आपस में इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वाले एंगल का नाम लिख देते हैं 1 और इस वाले एंगल का नाम लिख देते हैं 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, और यहां लिख देंगे इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल है बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो। अगर मैंने ऑल्टरनेट एंगल लिखा है तो इसमें भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। इसके बाद देखिए बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम आता है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम आता है, तो इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि इस वाले एंगल के अपोजिट में ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये ब्लू ब्लू वाले एंगल और ये रेड रेड वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम ये बन रहा, इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है उसमें एक एंगल ये रहा बी
और एक एंगल ये रहा डी, तो हमें हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया बच्चों। हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे कहेंगे सर आपने ये 1 1 GM क्या लिख दिया, तो बच्चों पैरेललोग्राम को इस नोटेशन में लिखा जाता है डबल वन और जी और एम, ये आपके पैरेललोग्राम की नोटेशन रहती है, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपने तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, अब आपका ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, बस आपको यहाँ पे इसका रीजन लिखना है ये हुआ कैसे है। तो आपने एक साइड का यूज करा, एक एंगल का यूज करा और फिर एक एंगल का यूज करा। अब अपने फिगर में चेक कर लो कि ये ए ए एस बन रहा है या ये ए एस ए बन रहा है। तो बच्चे कहेंगे सर देखो एक तो एंगल ये डी लिया गया था, एक ये एंगल वन लिया गया था और एक ये ए सी साइड ली गई थी। तो हमने पहले एंगल लिया, एंगल के बाद फिर एंगल लिया, एंगल के बाद साइड ले ली, तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे ए ए एस, और ए ए एस लिखते ही बच्चों आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।